आखिर गोपिका को किसने किडनैप किया है? दरअसल गोपिका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे में जीत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन पुलिस वाला गोपी की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। उसका ये कहना है कि वो जीत के कहने पर रिपोर्ट क्यों लिखे, और जीत को ये बातें बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं। कतई नहीं लिखेंगे, नहीं वाला। और एक लाइन एमपी, तो जब तक आप इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिख पाएंगे, हम आपके बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे। चार शॉप किशा, क्या करूं? रुको जी, शायद लिख सकती हो कंप्लेंट। दिखाओ उनको इंस्पेक्टर हो, क्या करेंगे कृष्णा? शॉप प्लीज एंड डिफरेंस। हम जीत के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लिखवाएंगे। शॉप कोई बात नहीं। हाँ, इसमें यही नहीं, बल्कि जीत इंस्पेक्टर को मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है कृष्णा और जीत का गुस्सा शांत कराने लगती है। इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे क्या? इसने हमारे साथ, मतलब इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी के साथ, थाने के अंदर गुंडागर्दी की। क्या करें? जैसे लोग मजबूर कर देते हैं सब करने के लिए। ये तो ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफों में है, हमारी टेंशन और मत बढ़। और रही बात कंप्लेंट की, ना हम है ना हम लिखवाएंगे कंप्लेंट। सर आप कंप्लेंट लिखिए, हमारी बेटी गोपी 5 साल की है, वो गायब हो गई है। गोपी का छोड़ो, करना क्या चाहते तुम? सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि कृष्णा की भी बातचीत नहीं सुन रहे हैं, और उनका मन कर रहा है कि वो इसी वक्त इस इंस्पेक्टर की जान ले ले, क्योंकि यहाँ पर उसने एक ऐसी बात कह दी है जो जीत सुन नहीं सकते थे। दरअसल उसने कह दिया कि क्या गोपी जीत की बेटी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके लिए परेशान हो रहे हैं। यही नाटक, अब की बार भी यही। अरे चुपचाप अपनी ड्यूटी करते क्यों नहीं हो तुम? कंप्लेंट लिखो हमारी। जाओ यार, कल देखना ये होगा कि कैसे जीत और कृष्णा मिलकर गोपी का पता लगाते हैं। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।